Hey everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ a short trip vlog. वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा. अगर वीडियो अच्छा लगा देन लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो आज मैं जा रही हूँ सिलीगुड़ी से गाजोलडोबा एंड सिलीगुड़ी से गाजोलडोबा का डिस्टेंस है 25 किलोमीटर. मैं आज फुलबाड़ी होके गाजोलडोबा जा रही हूँ. आप लोग चाहो तो ईस्टर्न बाईपास से भी जा सकते हो. फुलबाड़ी होके गाजोलडोबा जाने का जो व्यू है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. बीच में रोड है एंड बोथ साइड में ग्रीनरी से भरा हुआ एक व्यू आप लोगों को मिलेगा एंड उसी के साथ तीस्ता रिवर का कैनल जो है स्ट्रेट रोड के साथ ही जाता है जो कि और अच्छा लगता है देखने में. तो आप लोग देख पा रहे हो व्यू कुछ इस तरीके का है. तो फिर चलिए चलते हैं. सिलीगुड़ी से गाजोलडोबा तक पहुंचने में टाइम लगता है 40 to 45 मिनट. सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ गाजोलडोबा में एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि लिखा हुआ है वेलकम टू तीस्ता बैरेज. ठीक यहाँ से राइट हैंड साइड में है मेन स्पॉट एंड लेफ्ट हैंड साइड में है गाजोलडोबा टूरिस्ट हब भोरेरालो. तो पहले मैं स्ट्रेट जाके आप लोगों को एक बार तीस्ता रिवर का व्यू दिखा देती हूँ. तो यहाँ से तीस्ता रिवर का व्यू जो है कुछ इस तरीके का है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में. यहाँ पे कुछ इस तरीके का बड़ा सा एक पार्किंग स्पेस मिल जाएगा आप लोगों को एंड पार्किंग स्पेस में ही यहाँ पे छोटा छोटा रेस्टोरेंट है जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड मिलता है एंड यहाँ का जो लोकल सेलर्स हैं लोकल सेलर्स लोग यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स फिश फ्रूट्स इसके अलावा और कई चीज़ सेल करते हैं एंड यहाँ का जो वेजिटेबल्स होता है बहुत ही फ्रेश होता है एंड उस साइड में जो है काफ़ी सारा फूड स्टॉल मिलेगा एंड सारा फूड स्टॉल का जो सेम या फिर बोल सकते हो कॉमन फीचर्स है वो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश फ्राई. तो मुझे यहाँ का सबसे अच्छा लगता है जो है प्रॉन फिश फ्राई एंड आज अनफॉर्चुनेटली मैं खा नहीं पाऊँगी फॉर सम रीज़न. बट नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तब एक फूड व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी. तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पीछे है रिवर एंड यहाँ पे बैठ के आप लोग रिवर को देखते हुए फूड एंजॉय कर सकते हो एंड यहाँ से रिवर का व्यू कुछ इस तरीके का है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में. Thank you.
तो अभी यहाँ से निकलते हैं एंड चलते हैं भोरेर आलू के तरफ। तो मैं भोरेर आलू तक पूरा तो नहीं जाऊँगी, कुछ दूरी तक जाके जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखाऊँगी। और यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो तीस्ता रिवर बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, व्यू कुछ अलग ही है यहाँ का जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो आज का जो शॉर्ट ट्रिप था वो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ एंड आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।